शहर कतरास का एकमात्र मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जहां खराब मोबाइल का सर्विसिंग होता है। अगर आपको भी अपनी मोबाइल सर्विसिंग करानी है तो आ जाइए हमारे दुकान में, जो कि राजगढ़िया मार्केट में स्थित है। यहां पर सभी कंपनी के मोबाइल का रिपेयरिंग होता है। हमारा पता है राजगढ़िया मार्केट के अंदर, प्रोप्राइटर श्री विजय राजगढ़िया। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। स्वागत है आपका स्टार सिटी 24 में, मैं ब्रह्मशिला आपके साथ। आइए जानते हैं झारखंड और बिहार की प्रमुख खबरें। भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी संगठन परिवार की ओर से धनबाद जिला के अंतर्गत तोमचाची प्रखंड ब्राह्मणडीहा गांव में झारखंड प्रदेश मंत्री पंडित बलराम उपाध्याय के अध्यक्षता में संगठन विस्तार के लिए बैठक किया गया। इस बैठक में झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह, ब्राह्मणडीहा ग्राम प्रधान श्री वासुदेव उपाध्याय, कमला प्रसाद उपाध्याय मौजूद थे। ग्राम के वरिष्ठ बड़े बुजुर्ग भारतीय अटल सेना संगठन विस्तार के बारे में अपनी अपनी राय दी। झारखंड प्रदेश से आए संगठन के पदाधिकारीगण, झारखंड प्रदेश संयोजक मनोज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष रिंकू गुप्ता, देवघर जिला अध्यक्ष उमेश कुमार, भोक्ता जिला उपाध्यक्ष बच्चन देव राय जी, धनबाद जिला मंत्री महेंद्र सिंह, गोपाल पाठक, जितेंद्र तिवारी, दशरथ ठाकुर, धनबाद जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव, मनोज कुमार उपाध्याय, कार्तिक कुमार, वकील कुमार, मंजीत कुमार उपाध्याय, जिले के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बाबा आपका नाम क्या हुआ? बलराम उपाध्याय। बाबा ये जो आज जो बैठक कर रहे हैं भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी परिवार में, किस उद्देश्य के लिए? देखिए, ये उद्देश्य तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं विष्णु सिंह जादव जी, वो तो बता सकते हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ के हैं, ये सिर्फ हमारे पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करना है, और अभी हम लोग को तत्काल संगठन को विस्तार करना है, यही हम, और विस्तार होगा तो सत्य होगा। तो आपका झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कौन है? ये तो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह जी हैं, और झारखंड प्रदेश संयोजक श्री मनोज कुमार सिंह जी हैं, और झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रंजीत कुमार तिवारी जी हैं, और ये जो देवघर जिला के अध्यक्ष जी उमेश कुमार भोक्ता जी हैं, और ये जो प्रदेश उपाध्यक्ष टिंकू कुमार गुप्ता जी हैं, और ये जो देवघर जिला के उपाध्यक्ष जी, आपका नाम? बचन देव कुमार राय जी हैं, और हमारे धनबाद जिला के अध्यक्ष जी महिला मोर्चा के मनीषा श्रीवास्तव जी हैं, और हमारे ये जो ढांगी पंचायत के तोपचाची प्रखंड के महामंत्री जी गोपाल पाठक जी हैं, और सिंघा पंचायत के महामंत्री ये जो दशरथ ठाकुर जी हैं, और धनबाद जिला के महामंत्री महेंद्र सिंह जी हैं, और ब्राह्मणडीहा के ये जो धनबाद जिला के महामंत्री हैं कार्तिक उपाध्याय जी हैं, और तोपचाची प्रखंड के सचिव राजेंद्र उपाध्याय जी हैं, और हमारे गांव ब्राह्मणडीहा ग्राम के पूजनीय ग्राम प्रधान श्री वासुदेव उपाध्याय जी हैं, और हमारे ब्राह्मणडीहा के ग्राम अध्यक्ष श्री कमलाकांत उपाध्याय जी हैं, और इन्हीं सब के आशीर्वाद से और संस्कार से हम लोग चल रहे हैं, और यही बुजुर्ग के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हैं। और ये जो हमारे ढांगी पंचायत के जितेंद्र तिवारी जी हैं सचिव पंचायत के हैं, और मैं तो भगवान के। सर आपका क्या नाम है? सर मैं मनोज कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी झारखंड। ये संगठन किस विषय में, जो आज ब्राह्मणडीहा पंचायत में बैठक किए हैं, किस विषय के लिए? ये आज हम लोग का ब्राह्मणडीहा पंचायत तोपचाची प्रखंड में आता है,
यहाँ पे हमारे महामंत्री बलराम उपाध्याय जी जो बहुत ही अच्छा कार्य संगठन विस्तार में कर रहे हैं। हम लोग का आज इनके गांव में आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो संगठन विस्तार पे चर्चा की जाए और संगठन का विस्तार किया जाए। यह संगठन पूरे देश में चल रही है आप लोग क्या? ये भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी पूरे भारत लेवल पे हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है और इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सिंह जानार्दन का बहुत हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि ये बहुत तेजी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग का संगठन का विस्तार हो रहा है। आप लोग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अच्छा ठीक है। इस संगठन तो देख रहे हैं कि पूरे बंगाल में भी हमें आप लोग का बहुत अच्छी गति से बढ़ रही है और झारखंड में भी तीव्र गति से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। हमारी संगठन पूरे राष्ट्र लेवल पे हिमाचल हो, दिल्ली हो, यूपी हो, झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, सारे जगह पे बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह पे हमारे संगठन का विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।